रूस लगातार यूक्रेन को मिट्टी में मिला देने वाली हद तक जाता नजर आ रहा है। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली मिसाइल के बाद पुतिन का गुस्सा जेलेंस्की पर फूट पड़ा है। अब नतीजा यह है कि रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगातार रगड़ रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। कहीं बमबारी, कहीं ड्रोन अटैक, कहीं मिसाइल वॉर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और तबाही हो रही है। लड़ाई को 450 दिन होने वाले हैं, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के 2 लड़ाकू विमानों और 2 सैन्य हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन के इस अटैक के बाद पुतिन का गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था, मगर अब रूस ने भी ये दावा किया है कि यूक्रेन के विमानों ने ब्रिटेन की ओर से दी गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों के रूस के कब्जे वाले शहर लुहांस्क में 2 इंडस्ट्रियल जगहों पर हमला किया। 12 мая около 18 часов 30 минут по московскому времени боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий Полипак и мясоперерабатывающему комбинату Милан в городе Луганск. यूक्रेन पर रूस ने भी जवाबी हमला किया है। इसके साथ ही पुतिन की सेना नए सिरे से प्लान तैयार कर रही है ताकि यूक्रेन को मिट्टी में मिलाया जा सके। पुतिन पहले ही धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए कब और क्या कदम उठाना है ये फैसला रूस खुद करेगा। पुतिन की धमकी और लगातार हो रही बमबारी के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोप के देशों को समर्थन जुटाने के लिए निकले हैं। इसी कड़ी में जेलेंस्की जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी से पहले जेलेंस्की इटली में थे। यहाँ भी उन्होंने रूस के हमलों का जिक्र किया और इटली की ओर से यूक्रेन से की गई मदद के लिए आभार भी जताया। साथ ही इन्होंने जल्द ही नाटो में शामिल होने का भरोसा भी जताया। Я хочу запросити зараз усіх політичних лідерів Італії, усіх ваших громадських діячів відвідати нашу країну, поспілкуватися особисто з людьми, звичайними людьми. І мені здається, що якщо ви побачите на власні очі, що відбувається і що там наробив одна людина. जेलेंस्की मदद के लिए अलग अलग देशों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। रूसी सेना ने क्रेस्नी लिमन, डोनेस्क, खारकोव, जापोरोजिया और खेरसोन में यूक्रेन के हथियारों के गोदाम पर हमला किया, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के कई हवाई हमले नाकाम किए और यूक्रेन के कई यूएवी भी मार गिराए। हमले दोनों ओर से जारी हैं। ऐसे में शांति बहाली की उम्मीद फिलहाल कम ही दिख रही है। पुतिन जिस तरह तेवर दिखा रहे हैं, उससे यह भी साफ है कि वे यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रमण जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में भी हमले तेज भी किए जाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों से मिल रही मदद के सहारे यूक्रेन की सेना रूस को आगे भी जवाब देने में कामयाब होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जी न्यूज़।